मैं ये यूज़ कर रही हूँ 24 बाई 36 इंचज़ का कैनवस और मैंने पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है। सबसे पहले बनाते हैं कलर, इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला कलर। हमने जो पेंसिल से ड्रॉ किया है इसको हम थोड़ा सा रेस करेंगे ताकि हमारी, क्योंकि हमने ये शर्ट जो है इसके जो कपड़े हैं हमने लाइट स्किन से कलर के बनाने हैं, तो हम ये रेस करेंगे ताकि हमारा कलर ख़राब ना हो। ये वाइट में थोड़ा सा ये वाला कलर, ये देखिए हमने ये दो कलर्स थे, इन दोनों वाइट को और इसको मिक्स किया और हमने एक शेड बना लिया। अब हम पहले इससे सारे बेस पे ये वाला कलर करेंगे, उसके बाद जो हमने कलर ऐड करना होगा वो बाद में हम बनाएंगे। इन दोनों कलर्स को ही मिला के इस वाली शेड से थोड़ा सा डार्कर बनाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं। यही वाला ब्रश एक और यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इसमें मैंने ब्राउन शेड लगाई है, इसमें मैं वाइट शेड लगाऊंगी। ये ब्रश जिस पे कोई भी कलर नहीं लगा इसको मैं इसके साथ ऐसे खाली करूँगी तो ये यूँ ब्लेंड हो जाएगा। ये ब्लेंड हो गया। अब यहाँ से हमें थोड़ा सा डार्क करना है और इसलिए यहाँ से डार्क किया, यहाँ पे तो हमने वाइट लगाया था, अब हम दोनों की जहाँ से ये दोनों कलर्स मैच हो रहे हैं वहाँ पे ये थोड़ा सा करेंगे, खाली ब्रश करेंगे तो ये ब्लेंड हो जाएगा। अब मैं ये ब्रश यूज़ कर रही हूँ, 0004 का साइज है।
बैकग्राउंड ब्लैक और ये जो बीच में एरिया ना ये भी ब्लैक करेंगे ना तो ये ज़्यादा सही प्रोमिनेंट होगा और फिर सही समझ आएगी आप लोग को कि हम बना क्या रहे हैं। ये समझ लें जैसे फ्रॉक के छोटे छोटे टुकड़े हैं उसकी। ड्रॉ कर लिया ज़रा रीपर से थोड़ा सा। अब मैं यही वाला स्किन कलर थोड़ा सा ऐड करूँगी और बाकी थोड़ा सा वाइट बल्कि ज़्यादा वाइट और थोड़ा सा ये स्किन कलर। ये मैंने लाइट सा स्किन के कलर का स्किन कलर बनाया इसके इसके फेस के लिए। हम पहले मैं इसका फेस इस कलर का करूँगी उसके बाद इसमें मज़ीद कलर्स ऐड करूँगी। लाइट कलर सारा कर लेंगे हाथ के शेप पे उसके बाद हम बाकी जो कलर होगा वो करेंगे। यहाँ मैंने बैकग्राउंड में सारा ब्लैक कलर कर लिया तो ये रही गोल्डन डस्ट। ये मैं थोड़ी ऐड करूँगी ठीक है। ये मैंने ऐड करके ये वाला ये कलर किया यहाँ पे ये देखें ये वाला ठीक है। इसके बाद मुझे थोड़ा सा इस टाइप का लग रहा था कि मैं करूँ तो मैंने पहले यहाँ पे ये जो मैंने किया इसमें मैंने बीच में गोल्डन डस्ट पेल गोल्ड और वाटर ऐड करके बारीक सी लेयर जिस तरह कलर करते हैं वैसे किया था। लेकिन उसके बाद मैंने जब ये कलर किया तो मैंने इसमें क्या किया इसमें खाली कलर गोल्डन डस्ट और पानी नहीं मिलाया मतलब मोटा मोटा कलर ही इधर लगाया। मैं आपको भी दिखाती हूँ कैसे। देखिए गोल्डन डस्ट ये मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये देखें ये थिक से कलर बन गए। अब हम इस थिक से कलर को ऐसे ब्रश से उठाएंगे देखें और यहाँ पे ऐसे ब्रश को यूँ ये हमने कलर इसके ऊपर लगा लिया ठीक है। अब हम इसको ब्रश के साथ ही थोड़ा यूँ फैला देंगे ब्रीक लेयर नहीं लगानी ताकि जब हम थिक लेयर लगाएंगे तो ही इस तरह का टेक्सचर बनेगा। देखें अभी मैं आपको साइड से भी दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। देखें देखें साइड से ये कितना प्यारा लग रहा है उभरा हुआ।
ये है पेंटिंग बन गई, लेकिन एक बहुत फनी चीज़ हुई है कि मैंने इसकी उंगलियाँ 5 बनाई हुई हैं, 5 उंगलियाँ और एक अंगूठा। ये है, अब इसके ऊपर या तो ऊपर कोई शेर लिखा जाए या फिर कुछ किया जाए, देखते हैं। अभी फिलहाल इतना ही कंप्लीट, फिलहाल इतनी कंप्लीट है, लेकिन देखते आगे अगर कुछ मज़ीद ऐड करना हुआ तो ज़रूर करेंगे हम।